झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच विशेष विधानसभा सत्र 5 सितंबर को आहूत की गई थी, जिसमें कई मुद्दों को सदन के पटल पर रखी गई। लेकिन आप सभी को याद होगा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग को लेकर तमाम आदिवासी मूलवासी सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के पटल पर जरूर ये मुद्दा को रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस ओर जरूर कोई पहल करेगी। इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल जी, हम सीधे इनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार 1932 खतियान के आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति का आप लोग मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी भी दिखा दी है, क्या लगता है कि कब तक ये लागू होगी और आप लोग जो मांग कर रहे हैं उससे मुख्यमंत्री कितनी गंभीरता से लेंगे? देखिए, लागू कर रहा तो ये सरकार के हाथ में है और सरकार के पास मेजोरिटी भी है, जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए क्योंकि इससे जनभावना जनमानस जुड़ी हुई है। ये आंदोलन घर घर तक जन जन तक पहुंच चुकी है। तो हेमंत सोरेन जो सरकार है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इसको लागू कीजिए। देखिए, हमारे पास 4 सर्वे हुआ है, पहला 1908 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में। अब हम लोग 32 का ही मांग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, पहला सर्वे जो 1908 हुआ उसमें थोड़ा सा छिटपुट गड़बड़ियाँ हुई, उस समय टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, इस कारण से छिटपुट गड़बड़ियाँ हुई। लेकिन 1932 का जो सर्वे हुआ है वो एक परफेक्ट सर्वे हुआ है और ये एक कैडस्ट्रल सर्वे है। ये झारखंड के 85% इलाका में हुआ है, 15% छूटा हुआ है जो कोल्हान का इलाका है, वहाँ 1964 में सर्वे हुआ है। अगर 1932 लागू करते हैं तो झारखंड का 85% इलाका प्रवेश कर जाएगा, बचेगा 15% इलाका। तो उसके लिए 1964 लागू कीजिए, यानी खतियान आधारित भी बना सकते हैं। लेकिन हमेशा जो स्थानीय नीति बनेगी हमेशा खतियान आधारित, झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, ये असंवैधानिक है। तो मैं पहले खंडन करना चाहता हूँ कि एक संवैधानिक है। जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ तो CNT SPT एक्ट को और 1908 के जो सर्वे है उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये एक संवैधानिक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, नहीं लागू हो सकता। तो मैं उनको बताना देना चाहता हूं कि संविधान जो बना है ना, संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 का 60% भाग है। तो क्या संविधान को आप नहीं मानते हैं? क्या संविधान लागू नहीं है? अगर संविधान लागू है तो ये 1932 का खतियान भी लागू होगा। और दूसरा बात, आप IPC इंडियन पेनल कोड, CPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आप पढ़ते होंगे, इसे जिससे नया प्रणाली पूरा चल रहा है, ये भी 1860 यानी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, ये भी चल रही है, पूरा भारत का सिस्टम चल रही है इससे। लेकिन 1932 का खतियान नहीं लागू हो सकता, ये एक प्रोपोगेंडा है, केवल प्रोपोगेंडा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि 1932 का खतियान जब झारखंड बिहार में शामिल था तब यहाँ लागू था। हमारे पास एक दीपक कुमार के व्यक्ति का, उन्होंने हमको भेजा है, 1990 में उन्होंने अपना स्थानीय बनाया था, उस स्थानीय में साफ तौर पर लगा हुआ है कि इनका जो स्थानीय निर्गत की गई है ये 1932 के सर्वे के आधार पर निर्गत की गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब झारखंड बिहार में शामिल था तब 1932 का खतियान शामिल था तो उसे बनता था, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तब लागू नहीं चल सकता है, नहीं बन सकता है। अब कुछ बाहर के लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि अब बिहार का समस्तीपुर जिला चले जाइए, वहाँ का देखिए कि वहां जो स्थानीय बनता है 1932 के खतियान के सर्वे के आधार पर बनता है। तो जब बिहार में चल सकता है, बिहार में अंग्रेजों का कानून चल सकता है, लेकिन हमारे यहां नहीं चल सकता है। मतलब आपने बनाया ही क्या है? झारखंड में, भारत में जितना भी कानून व्यवस्था चल रहा है सब तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा है। आप देखे होंगे द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा राज्यसभा जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये सब इंग्लैंड से लिया गया है, यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। तो सब चल रहा है, खाली 1932 नहीं चल सकता। लोगों का ये भी कहना है कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बिहारी लोग भी रहते हैं, उन लोगों के पास 1932 नहीं है, स्थानीय लोग भी, लेकिन 1932 खतियान नहीं है। तो अगर 1932 खतियान लागू होता है तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। नहीं नहीं, देखिए, जिसके पास खतियान नहीं है एक प्रोपोगेंडा है, वो बाहरी होंगे, यहाँ के स्थानीय नहीं होंगे, और जिनके पास स्थानीय है उनके पास खतियान होगा। क्यों? अब जिनके पास मान लीजिए किसी तरह से भूल गया, खो गया, तो उसके लिए सर्वे ऑफिस है ना, सर्वे ऑफिस आप जाइए, एक जमशेदपुर में है, एक रांची में है, एक धनबाद में है, हजारीबाग में, आप वहाँ से निकाल लीजिए ना, आपको तो वहाँ देने के लिए तैयार है। आप ऑफिस जाइए, अप्लाई कीजिए कि मेरा खतियान गुम हो गया, आप दीजिए, देखिए मिल जाएगा आपको। एक प्रोपोगंडा है लोगों को भटकाने के लिए, भड़काने के लिए, और कुछ नहीं है। देखिए, कुछ लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 नहीं हट सकता, अनुच्छेद 370 हटेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। आज देखिए, अनुच्छेद 370 भी खत्म है और संविधान भी बचा हुआ है। इसी तरह 1932 का खतियान है। लोग कहते हैं 1932 का खतियान लागू
लागू होगा तो यहाँ पर विवाद हो जाएगा, लोग आपस में लड़ मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वहाँ लागू करने वाले वहाँ तक नहीं पहुँचे, जिस दिन सदन तक पहुँच जाएंगे वहाँ लागू करने वाले, कुछ पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अगर 1932 लागू हो जाता है तो क्या कुछ होगा झारखंड में? देखिए, 1932 का खतियान एक बैरिकेडिंग है, एक चार दीवारी। जैसे देखिए, ये चार दीवारी हम लोग क्यों लगाए हैं? चार दीवारी इसलिए लगाए हैं कि जो गैर व्यक्ति हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो अंदर घुस ना पाए। उसी तरह 1932 बाउंड्री नहीं है। हाँ, बाउंड्री नहीं है। वो जैसे ही लागू होगा, आदमी उस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। यानी जिसके हाथों में खतियान है वही झारखंडी है। अब वो रूल लागू होगा, उसी से स्थानीय बनेगा, उसी से जाति बनेगा, उसी से एथी बनेगा। तो जब जिसके पास खतियान ही नहीं रहेगा, उसके पास स्थानीय बनेगा कैसे? यानी वो फॉर्म यहाँ भर नहीं सकता है। यानी झारखंड के लड़का कहीं स्थानीय बनेगा, वही फॉर्म भरेगा, तो नौकरी भी वही लेगा। झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लगातार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति का आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है अभी तक क्यों नहीं लागू हुई है, 22 साल हो गए हैं? देखिए, यहाँ पर जो झारखंड है ना, झारखंड में बाहरी ऑफिसर, बाहरी लोग का दबदबा शुरू से रहा है, लोग बाहरी हावी हैं यहाँ पर, जिसके कारण से इस तरह से समस्या उत्पन्न हो रही है। जिस दिन हम लोग उस सिस्टम में बैठेंगे, ऐसे हमारे लोग हैं, लेकिन हमारे लोग उतने प्रखर तरीके से अपने आवाज़ को नहीं रख पाते हैं, अपने आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं, अपने लोगों को समझा नहीं पाते, इस कारण से इतना लेट हुआ है। लेकिन अब झारखंड जाग गया है, अब झारखंड में नवनिर्माण भी होगा, खतियान भी लागू होगा, नियोजन नीति भी बनेगी, विस्थापन नीति भी बनेगी, उद्योग नीति भी बनेगी, यानी जितनी नीतियाँ हमारी बनेंगी और एक झारखंड का नवनिर्माण होगा। आपने CNT एक्ट के बारे में बताया कुछ, लेकिन CNT एक्ट लागू हो गया था, लेकिन अभी भी जमीन लूटी जा रही है, तमाम जो आदिवासी मूलवासी सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं कि मेरी जमीन लूटी गई। हाँ, CNT एक्ट का धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है, और अतिक्रमण इसलिए वो भुयारी जमीन, खुटकट्टी जमीन, ये सारी जमीन बिकने वाली जमीन नहीं है, लेकिन इसको बेचा जा रहा है। हमारे ही लोग मिली भगत के थ्रू कुछ दलाली करके उस जमीन को बेच दिया जा रहा है। जैसे अभी आप पल्स हॉस्पिटल का देखे थे, वो भुयारी जमीन पर खड़ी है, लेकिन वो जमीन बिकी और देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा हो गया। देखिए, उसका जो CNT एक्ट है उसका धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासी को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई आदि से भोगला सोरेन है और अगर मंगरा सोरेन को जमीन बेचना चाहे और एक लालपुर थाना का है और एक धुरवा थाना का है, तो वो जमीन उसको नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उस थाना का नहीं है। और उसका 46 का ख कहता है यदि कोई OBC है और OBC अगर जमीन बेचना चाहे तो उसी जिला का होना चाहिए। मान लीजिए मोतीलाल महतो है और जयराम महतो को जमीन बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते, क्योंकि हम गिरिडीह जिला का है और जयराम महतो धनबाद जिला का है। तो जब ऐसा नियम लागू था तो आरा, बलिया, छपरा और भी कहीं बाहरी आके यहाँ पर जमीन बोकारो, धनबाद, रांची, गिरिडीह में कैसे जमीन खरीद लिया, जमशेदपुर में कैसे इतना अतिक्रमण हो गया? यानी कहीं ना कहीं CNT SPT एक्ट को धड़ल्ले से अतिक्रमण किया गया है, धड़ल्ले से इसका मतलब दुरुपयोग किया गया है। लगातार आप लोग आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, जयराम है तो या फिर आप या फिर कई आदिवासी मूलवासी लोग, क्या आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे? चूंकि वो तो हरी झंडी दिखा चुके हैं, कहे हैं कि सरकार इस ओर ज़रूर कुछ पहल करेगी। देखिए, मुलाकात करने का हम लोग प्रयास किए थे। अभी सत्याग्रह जो हम लोग का 2 दिन का सत्याग्रह चला था विधानसभा के सामने, आप भी आई थी, देखी थी, वहाँ पर भी हम लोग मिलने गए थे। फिर एक बार हम लोग का विधानसभा घेराव था, उस समय भी मिलने के लिए हम लोगों ने लेटर डाला था। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो आगे पीछे जो बाहरी लोग हैं, इंटू पिंटू छिंटू जो भी हैं, ये बाहरी लोग हैं, इन लोग शायद इनको प्रोपेगेंडा के तहत कि एक राजनीतिकरण है ऐसा कुछ भड़का के उसको मिलने नहीं दिया जाता, जबकि हम लोग एक बालक हैं एक तरह से बोलिए कि, तो हम उन्हीं के वोटर भी हैं, तो उनका वोटर है और फिर उसका सहयोगी भी है। अगर मिलते हमसे तो हमारी बातों को एक बार सुनते तो अच्छा रहता, हम लोग भी कुछ दे सकते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धीरे धीरे सारे वादे को पूरा कर रहे हैं, चाहे हम बात कर लेंगे ओल्ड पेंशन लागू कर दिए उन्होंने, सहायक पुलिसकर्मी का जो मांग था वो पूरा हो गया है, अब आप लोगों की जो मांग है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है अब आप लोगों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? देखिए, हमारी यही उम्मीद है कि जितना, देखिए 1932 का खतियान आज घर घर तक, हर जनमानस तक पहुंच चुकी है, तो जितना जल्दी हो सके लागू कीजिए, नहीं तो जनता विद्रोह कर सकती है। विद्रोह के क्योंकि यहाँ के जब तक स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू नहीं होगा, यहाँ के लोगों को भला नहीं हो सकता। आज कंपनियों में जाइए, आज जितना भी आप हेमंत सोरेन लागू कर दिए कि 75% यहाँ के प्राइवेट नौकरियों में यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? आप पहले परिभाषित ही नहीं किए कि झारखंडी है कौन। झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है, तो पहले वो तो परिभाषित कीजिए, पहले खतियान तो लागू कीजिए, फिर आप लागू कीजिए, उसका मैं स्वागत करता हूँ। ओल्ड पेंशन को उन्होंने पूरा किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ऐसे कितनी नीतियों का उन्होंने वादा किया है और वादा भी कब पूरा कर रहे हैं? 2.5 साल 3 साल हो गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ था। 5 लाख नौकरी नहीं, बेरोजगारी भत्ता नहीं, कितना सारा वादा तो धरा पड़ा है, 1932 का खतियान धरा पड़ा है। ये सरकार जाने के डर से, खोने के डर से अभी
विशेष सत्र में भी कुछ खास हुआ नहीं। इसमें आने वाला था प्रस्ताव 1932 का खतियान का, कहाँ आया? केवल हवाबाजी हुआ, पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा। ये तो हवा है कि नहीं, उम्मीद तो लग रहा है थोड़ा बहुत। अभी भी हम लोग 30% ही उम्मीद मानते हैं, 70% उम्मीद नहीं मानते, जैसे कि बातें हुई उनकी। तो झारखंड की सियासत में बेहद हलचल देखने को मिल रही है और दूसरी ओर विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई थी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मोतीलाल जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाई है, तो उससे सिर्फ हम लोग 30% ही उनसे उम्मीद है कि वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं लागू करते तो लगातार इन लोगों का जो आंदोलन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।